हेलो फ्रेंड्स, आई एम गुनगुन। वेलकम टू माय किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ पंजीरी। अभी जन्माष्टमी आ रही है और पंजीरी भगवान श्री कृष्ण को भोग में चढ़ाई जाती है और प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। इसे बनाना बहुत आसान है और ये कम समय में बन जाती है और ये बहुत हेल्दी और टेस्टी भी है। तो इस जन्माष्टमी आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं पंजीरी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। पंजीरी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप धनिया पाउडर, 2/3 कप चीनी, 1 कप मखाना, 1/4 कप बादाम, इसे मैंने छोटे छोटे हिस्सों में काट लिया है, 1/4 कप काजू, इसे भी मैंने छोटे हिस्सों में काट लिया है, 1/2 कप सूखा नारियल, घी 1/4 कप। अब हम सबसे पहले गैस की फ्लेम जलाकर एक कढ़ाई गरम कर लेंगे और कढ़ाई के गरम हो जाने पर हम उसमें घी डालेंगे। घी अभी हम सारा नहीं डालेंगे, 1 टेबलस्पून के करीब हम घी बचा लेंगे और घी को हम अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। ये घी हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है और गरम भी हो चुका है। अब इसमें हम मखाने डाल देंगे और मखाने डालने से पहले हम गैस की फ्लेम लो कर लेंगे और अब इसमें हम बादाम डालेंगे, काजू डालेंगे, नारियल भी हम साथ में ही डाल लेंगे। आप चाहे तो इसमें और भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, किशमिश और चिरौंजी वगैरह ले सकते हैं। अब हम गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम के बीच में कर लेंगे और ड्राई फ्रूट्स को लगातार चलाते हुए भून लेंगे और ड्राई फ्रूट को हमें तब तक भूनना है जब तक कि मखाने क्रिस्प ना हो जाएं। ये हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से भून चुके हैं और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मखाने कितनी अच्छी तरह से क्रिस्प भुने हैं। ये आप देख सकते हैं मखाने कितने अच्छी तरह से क्रिस्प हो गए हैं। अब हम गैस का फ्लेम लो करके ड्राई फ्रूट्स को प्लेट में निकाल लेंगे। ये मैंने ड्राई फ्रूट्स को प्लेट में निकाल लिया है और ड्राई फ्रूट्स भुनने में हमें 2 से 3 मिनट लगे हैं। अब हम उसी कढ़ाई में गैस का फ्लेम लो करके धनिया पाउडर डालेंगे। ये मैंने 1 कप धनिया पाउडर लिया है और धनिया पाउडर डालने के बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे धनिया पाउडर को लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। ध्यान रखें, धनिया पाउडर को हमें लगातार चलाना है, नहीं तो धनिया पाउडर नीचे से जल जाएगा। धनिया पाउडर में से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब इसमें हम घी डालेंगे जो हमने 1 टेबलस्पून के करीब बचा के रखा था। ये हमने घी डाल लिया है और घी को हम धनिया पाउडर में बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमने घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और 4 मिनट के करीब हो चुके हैं। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे जिसे हमने पहले ही भून करके रखा था। ये हम सारे ड्राई फ्रूट्स को धनिया पाउडर में बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आप इसे रेगुलर खाने के लिए अपने घर में बना सकते हैं और ये बहुत टेस्टी भी है। ये हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम चीनी डालेंगे और चीनी डालने से पहले हम गैस का फ्लेम लो कर लेंगे। ये मैंने 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी ली है। चीनी को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम लो रखेंगे। चीनी डालने के बाद पंजीरी को हम 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। आप चीनी को अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, और अगर आपको खड़ी चीनी पसंद नहीं है तो आप चीनी को दरदरा पीस कर भी डाल सकते हैं, पर आप इसमें शुगर पाउडर का इस्तेमाल ना करें क्योंकि शुगर पाउडर से ये इतना अच्छा नहीं लगता है। मैं सजेस्ट करूँगी आप खड़ी चीनी डालें या फिर चीनी को दरदरा पीस करके डालें। 2 मिनट हो चुके हैं और पंजीरी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अभी जन्माष्टमी आ रही है और पंजीरी भगवान श्री कृष्ण के भोग के लिए बनाया जाता है और इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तो इस जन्माष्टमी आप इसे अपने घर में जरूर ट्राई करें। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये कम समय में बन जाता है और ये बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आपको ये पंजीरी की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।